हाय गाइस, लॉकडाउन चल रहा है अभी तो बहुत दिन से बाहर नहीं निकला। आज एक स्कोप मिला है बाहर निकलने का, तो चलिए आज थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा ब्लॉग करते। एक चीज भी खरीदना है तो वो एक सरप्राइज है, तो आपको जाते जाते बताऊंगा। और आप लोग सोच रहे हो आज मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ, तो बहुत लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था हिंदी में ब्लॉग करने के लिए, क्योंकि उन लोग को समझ नहीं आता, क्योंकि मैं बंगला में ब्लॉग करता था इसके पहले। तो कुछ भी अगर गलती कर रहा हूँ हिंदी बोलने में तो मेरे को माफ़ कर देना और थोड़ा एडजस्ट करना, मैं अभी सीख रहा हूँ, लर्निंग प्रोसेस में हूँ। यू आर वॉचिंग द बॉम्ब वंडरर, आई एम जयदीप, स्टे ट्यून्ड। तो चलिए स्टार्ट देते हैं। बहुत दिन बाद बाइक को ऑन कर रहा हूँ, बाइक बहुत दिन नहीं निकला है। लास्ट मैं वैक्सीन देने गया था उस दिन निकाला था बाइक, तो अभी बहुत डस्ट हो गया बाइक के ऊपर, एक दिन वॉश भी करना पड़ेगा। और मेरे पास एक बाइक पॉलिश और वॉश का शैम्पू भी है, उससे ही कर लूँगा। वैक्स पूल का 5 रुपया वाला छोटा जो सैचे जो आता है उससे। तो दोस्त लोग, जैसे मैं बोल रहा था कि मैं आज से हिंदी में ही ब्लॉग करूँगा, तो वही कर रहा हूँ। थोड़ा नर्वस भी हूँ, थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है हिंदी में ब्लॉग करना, और उतना अच्छा हिंदी मैं नहीं बोल पाता हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखिए लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, ओनली रिटेल शॉप्स 12 बजे से लेकर 3 बजे तक खुला रहेगा। तो जो सरप्राइज मैं बता रहा था आप लोग को वीडियो को स्टार्ट करने के टाइम पे, तो वो है कि मैं सोच रहा था मेरे को एक सेल्फ गिफ्ट करना है, तो मैं जा रहा हूँ चांदनी मार्केट, कोलकाता का सबसे बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उधर से एक मोबाइल खरीदेंगे एक बढ़िया सा, जिसे मैं थोड़ा फोटोशूट वीडियो शूट कर सकूं। तो अभी मैं आ गया बिपिन बिहारी गंगुली स्ट्रीट। ये रास्ता नॉर्मल समय में बहुत ही बिजी रहता है, बहुत ही बिजी। अभी ऑफिस टाइम चल रहा है, 11:30 बज रहा है, तो देखिए कितना खाली खाली, सिर्फ एसेंशियल पर्पज़ के लिए आदमी लोग निकला हुआ है। और आप लोग ज़रूर वैक्सीन ले लेना, इस पैंडेमिक को रोकने के लिए यही एक रास्ता है, और मास्क ज़रूर पहनना। देखिए कैसे नाका पॉइंट किया है पुलिस ने, बहुत तगड़ा चेकिंग हो रहा है। जो भी बिना मतलब का निकलेगा उससे पूछताछ किया जा रहा है। और मेरे ये काम थोड़ा सा एसेंशियल हो गया, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम में मोबाइल का बहुत ही ज़रूरत है। मेरा जो पिछला मोबाइल था तो वो लगभग ख़राब हो जा रहा है, हैंग कर रहा है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर ख़राब हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ऑफिस का बहुत सारा ऐप सब कुछ उस मोबाइल के अंदर है, बहुत सारा डेटा है। तो मैं एक नया फ़ोन आज खरीद लूँगा, उसके बाद वो जो पुराना फ़ोन है शायद देखते हैं, मेरा प्लान है कि मैं एक्सचेंज कर लूँ या OLX पे बेच देंगे, देखते हैं क्या करेंगे। ये रॉयल एनफील्ड मीटियो 350 में राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग है,
अभी आ गया मैं सेंट्रल कलकत्ता का गली के अंदर। ये सब गली एक जैसा दिखता है, भूल भुलैया की तरह। जो भी बाहर से आएगा ना वो पूरा घूम जाएगा। तभी एक ही वे होता है गूगल मैप्स फॉलो करना। फिर भी कभी कभी गूगल मैप्स भी गलत दिखाता है, नेविगेशन सही से नहीं दिखाता है। तो मेरा प्लान है कि सैमसंग A31 या A52, जैसे ए सीरीज़ का कोई भी फ़ोन या MI का नोट 10 प्रो लिया जाए। मेरा बजट है 17-18 thousand। कभी इतना बजट में मैं फ़ोन नहीं ख़रीदा, मगर इस बार प्लान है कि थोड़ा अच्छा फ़ोन ख़रीद लो, अच्छा बढ़िया सा कैमरा प्रोसेसर। देखते हो ऑप्शंस देखेंगे। अभी तो बहुत सारा कंपनी का अच्छा अच्छा फ़ोन निकल गया, रियलमी, पोको, फिर सैमसंग MI तो है ही। अभी मोटोरोला का एक नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, वो भी देख रहे थे गूगल में। सिचुएशन तो ख़राब ही चल रहा है। आप लोग मास्क, सैनिटाइजेशन, सब कुछ अच्छा प्रोटेक्शन लेके कीजिए। ये रहा क्लासिक बुलेट जा रहा है एक, उसका साइलेंसर मॉडिफाई किया है। तो दोस्त लोग, आप लोग से एक क्वेश्चन है, आप लोग बोलिए कि मेरे को मीटियोर का साइलेंसर चेंज कराना चाहिए कि नहीं। आप लोग को तो पता ही है मीटियोर का स्टॉक साउंड कैसा है, दिखाई दिया। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा मीटियोर का साइलेंसर चेंज करूँ कि नहीं। ये मैं कंफ्यूजन में हूँ, और चेंज करूँ तो रॉयल एनफील्ड का ही लूँ या बाहर से ले लूँ। ये दारू का सब दुकान, दारू का सब चलता रहेगा लाइन पे लाइन। जिस दिन CM ने लॉकडाउन अनाउंस किया था उस दिन इतना लाइन हुआ था, बाप रे बाप। तो मैं अभी आ गया चटनी मार्केट। अभी जिधर लैपटॉप कंप्यूटर मिलता है या उसका एक्सेसरीज, उधर मैं हूँ। एरिया वाइज डिवाइडेड है। ये रहा शाबिर होटल, इधर मैं बचपन में बिरयानी चाप खाने आता था। बहुत दिन नहीं आया, बहुत पहले आता था, 10 साल पहले। एक दिन ज़रूर आके ट्राई करना पड़ेगा। अभी क्वालिटी कैसा है, पहले तो बहुत ही अच्छा था। हाँ, शॉप्स तो खुला है, देखते हैं। ये शॉप अच्छा रहेगा, NRP नेशनल रेडियो प्रोडक्ट। तो बाइक को जल्दी से किसी जगह पे पार्क कर देते। जगह तो नहीं मिल रहा है, बहुत सारा बाइक ऑलरेडी खड़ा हो गया। इधर पार्क कर देते। Two hours later. तो फाइनली मेरा फ़ोन खरीद लिया, बहुत ही एक्साइटेड हो। ओ तेरी MT15 यामा का बाइक, देखिए बहुत ही अच्छा है ये। मैं एक मेरा फ्रेंड को रिकमेंड किए थे, वो ख़रीदा था ब्लैक कलर वाला। वो तो बगल में क्लासिक है। और ये देखिए ड्यूक का 125cc, ये भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है और इसका सर्विसिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है थोड़ा सा KTM का, मगर बाइक मस्त है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं मेरा जो नया मोबाइल। गेस कीजिए क्या हो सकता है। पहले तो मैं बहुत ही कंफ्यूज था। ये रहा फोन नोट 10 प्रो, एकदम लेटेस्ट, बढ़िया सा। उल्टा पकड़े थे, ये देखिए। ये इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज का, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल बैक कैमरा, और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा है। और सामने का जो कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल है, मगर मैं देखा बहुत ही अच्छा है। उसमें सोनी का बहुत अच्छा कैमरा सेंसर दिया हुआ है। और ये रहा मेरा मोबाइल का कलर, ग्लेशियल ब्लू, 6GB 128GB
इसका हार्ड डिस्क है, 6GB रैम है, इट्स अ गुड डील। तो प्राइस लिया है 17,500। और देखिए अभी पीएम बोल रहा था कि आत्मनिर्भर भारत, तो इसलिए मेड इन इंडिया सब प्रोडक्ट्स में लिख के बेच रहा है अपना सेल बढ़ाने के लिए। तो चलिए अभी जल्दी से निकलते हैं घर के तरफ, बहुत ही भूख लग गया, 1.5 घंटा लग गया मोबाइल खरीदने में, चूज करने में बहुत ही कंफ्यूज थे। देखिए जाम हो गया, तो चलिए चलते हैं। मन तो कर रहा है एक राइड पे निकल जाऊं, बहुत दिन नहीं निकला, मगर ये एक छोटा मोटा सा राइड हो गया, एक स्कोप मिल गया था। एक चीज आप लोग बताइए, खुद को गिफ्ट करना, मतलब सेल्फ गिफ्ट, कितना अच्छा लगता है, और खुद का अर्निंग से, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को कैसा लगता है थोड़ा बताइएगा, अपने दम पे कुछ करना। जैसे मैंने ये बाइक खरीद लिया, एक लैपटॉप खरीदा, और अभी ये फोन ले लिया। बहुत पहले जब मैं कॉलेज में था ना, तब ट्यूशन का कमाई से एक आईफोन लिया था, वो मेरा बहुत दिन का विश था, वो मेरा विश लिस्ट में था कि मेरे को एक आईफोन लेना है खुद का कमाई से, तो मैंने लिया था। तो ऐसे ऐसे एक एक करके एक एक विश लिस्ट पूर्ण कर रहा हूँ। अभी फिर से नॉर्थ कोलकाता का गली में घुस गया। देखिए ऑन दे रहे फिर भी नहीं सुनाई दे रहे। अभी चलते हैं घर, बहुत ही भूख लग गया, सुबह उतना कुछ खाया नहीं एक्साइटमेंट की वजह से। क्योंकि जब भी कुछ अच्छा काम करता हो ना, उसके पहले भूख चला जाता है और नींद भी सही से नहीं होता है, क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ। तो भाई लोग टिल देन टेक केयर, फिर से बोल रहा हूँ, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनना जरूर, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करा लीजिए, ये बहुत जरूरी है। अभी यही एक तरीका है पैंडेमिक को रोकने के लिए, तो सैनिटाइज करते रहिए। लगभग मैं आ गया मेरे घर के तरफ। सो यू आर वॉचिंग द बॉइंग वंडर ऑफ, I am Jaydeep, stay tuned.